أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين فاطر السماوات والأرضين باعث الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل البيت الطيبين الطاهرين المعفومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين يا رب العالمين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اپنی حاجات کی قبولیت کے لیے امام وقت کے ظہور میں تعجیل کے لیے جہاں کہیں مومنین مومنات آباد ہیں ان کی عزت مال جان آبرو کی حفاظت کے لیے جنہوں نے دعا کی التماس کی ان کی حاجات کی قبولیت کے لیے جو علیل ہیں ان کی شفایابی کے لیے بالخصوص ایک مومن محمد سجاد علیل ہے اس کی شفایابی کے لیے اور اس مرض اس موذی مرض سے نجات پانے کے لیے ایک مرتبہ باواز بلند صلوات عنایت فرمائیں. آپ اس سے بہتر بھی ایک صلوات عنایت فرما سکتے ہیں. اذان محترم, سلسلہ گفتگو کی آج چوتھی نشست ہے. کل آپ کے سامنے جو کلام علی پیش کیا, اب یہ جو میں نے کلام علی کہہ دیا ہے یہ مضاف و مضاف الیہ صفت کے حساب سے بھی درست ہے اور نسبت کے حساب سے بھی, یعنی علی کا کلام بھی علی ہے. علی کا کلام خود بتا دیتا ہے کہ وہ علی کا کلام ہے, کیونکہ جس طرح علی بلند و بالا ہیں ویسے ہی ان کا کلام بھی بلند و بالا ہے. اسی لیے اہل سنت کے بہت بڑے عالم نے یہ جملہ لکھا ابن حدید معتزلی نے کہ علی وہ ہیں جن کے کلام کی صفت یہ ہے کہ یہ خالق کے کلام سے نیچے ہے اور مخلوقات کے کلام کے اوپر. علی کا کلام بھی علی ہے. کل آپ کے سامنے مولا کا ایک جملہ پیش کیا تھا, ارشاد فرماتے ہیں کہ نحنو شجرۃ النبوہ, توجہ ہے نا حضرات کی, میرے ساتھ ہیں کہ نہیں ہیں. میرے مولا نے اس سے آگے کچھ جملے ارشاد فرمائے ہیں, فرماتے ہیں نحنو شجرۃ النبوہ و محط الرسالہ و مختلف الملائکہ و معدن العلم و ینابی الحکم. فرماتے ہیں ہم شجرۂ نبوت ہیں, ہم مقام رسالت ہیں, ہم فرشتوں کے آنے جانے کا مقام ہیں, ہم علم کا معدن ہیں, ہم حکمت کے سرچشمے ہیں. یہ جملہ
जनाब अमीर ने इरशाद फरमाया अगर तौफीक इलाही शामिल हाल रही तो आइंदा की नशिस्तों में इन्हीं जुमलों पे आपके सामने गुजारिशात पेश करनी है। जब मौला ने ये फरमाया कि हम शजरे नबूवत हैं, कल अर्ज कर चुका, अब मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता, फरमाते हम महत्तुर रिसाला हैं, यानी हम रिसालत का मकाम हैं। ज़रा तवज्जो फरमाएंगे इस जुमले पर, एक तरफ नबूवत का शजरा है, दूसरी तरफ रिसालत का मकाम है। ये रिसालत का मकाम है यानी क्या? क्या रिसालत रसूलुल्लाह पे ख़त्म नहीं हो गई? तवज्जो है कि नहीं है? नहीं, इससे पहले ज़रा रुकिए, मैं एक और चीज़ अर्ज़ करता हूँ। एक तरफ नबूवत कहा, एक तरफ रिसालत कहा, ये नबूवत और रिसालत में फ़र्क क्या है? जब तक ये फ़र्क वाज़ह नहीं होगा, इन दो जुमलों की सही तशरीह अर्ज़ नहीं की जा सकती। का हम रिसालत का शजरा, हम नबूवत का शजरा, रिसालत का महल है, उसके उतरने का मकाम है। नबी कहते हैं उसे जो खबरों को लेता है, रसूल कहते हैं उसे जिस पर पहुंचाने की जिम्मेदारी लगाई जाती है। जब नबी की बात होती है तो ये नहीं कहा जाता कि तुम इसे पहुंचा भी दो। इसीलिए वो आयत जो आपको बहुत अच्छे से याद है, जब पैगाम पहुंचाने की बात आई तो खुदा ने ये नहीं कहा या अय्युहन नबी, खुदा ने कहा या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैक मिन रब्बिक, ए रसूल आप पर इससे पहले जो नाजिल हो चुका उसे पहुंचा दीजिए। तवज्जो चाहता हूं, नबी खुदा की तरफ से मुअय्यन हैं, नबी वो जो वहां से खबरें लेते हैं, लेकिन रसूल फकत इंसान नहीं होते। रसूलों के लिए खुदा ने मुतअद्दिद अक्साम रखी हैं, कभी आम इंसानों को भी रसूल कहा, तवज्जो फरमाएं, कभी फरिश्तों को भी रसूल कहा, कभी हवाओं को भी रसूल कहा। कर रसूल मुख्तलिफ हैं, मेरी तरफ से पैगाम पहुंचाने वाले मुख्तलिफ हैं, हो सकता है इस्तिलाह में वो रसूल ना हो, लेकिन माना के एतबार से खुदा का कोई पैगाम ला रहे हो। ये हवाएं ठंडी चलती हुई आएंगी, तुम्हें खुदा का पैगाम देंगी, पीछे पीछे बारिश आ रही है। ये फरिश्ते खुदा की तरफ से पैगाम लाएंगे और लाकर तुम्हें देंगे, किन्हें? अंबिया को। तो क्या फरिश्तों को कोई रसूल कहता है आम तौर पे? लेकिन कुरान फरिश्तों को भी रसूल कह रहा है। मालूम हुआ जब आप कह रहे हैं ये महले रिसालत हैं, इसका मतलब लाजिम तौर पे ये नहीं है कि रसूल के बाद जो रिसालत ख़त्म हो गई तो हम इन्हें रसूल मान रहे हैं, बल्कि इसका मतलब यह है कि इनके पास वो सिफात रिसालत हैं, इनके पास खुदा की तरफ से पैगामात पहुंचाने का की जिम्मेदारी है। ये इस्तिलाही रिसालत नहीं है, बल्कि जिम्मेदारी है कि जो रसूल तक पहुंचा है अब बादे रसूल इन्होंने दुनिया तक पहुंचाना है। इसलिए रसूल ये कह के गए इन्नी तारिकुन फीकुम कलैन किताब अल्लाह व इत्रत अहल बैती। मेरे बाद ये पैगाम जो आगे पहुंचेगा कुरान के साथ, वो मेरे अहले बैत पहुंचाएंगे। तवज्जो है हजरात की? अब जरा तवज्जो चाहता हूं, एक और माना भी किया जा सकता है। तवज्जो, एक और माना क्या किया जा सकता है? अहलुल बैत शरीके कारे रिसालत हैं, यानी जो काम रसूल का है, बाद रसूल क्या उसकी ज़रूरत है या नहीं है? तबलीग दीन की रसूल ज़रूरत है या नहीं है? दीन पहुंचाने की ज़रूरत है या नहीं है? दीन की हिफाजत की ज़रूरत है या नहीं है? बिल्कुल है। तो जब है तो कौन करेगा बाद रसूल? वही जो महत्तुर रिसाला हैं,
वही जो रिसालत का मकाम है, इसीलिए आप देखिए, तवज्जो चाहता हूँ। रसूलुल्लाह के बारे में कुरान क्या कहता है? इनका उस्वाए हसना, तवज्जो चाहता हूँ। लकद काना लकुम फी रसूलुल्लाह, फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना, रसूलुल्लाह की सीरत में तुम्हारे लिए बेहतरीन उस्वाए हसना है या नहीं है? अगर है तो सवाल ये है, क्या ख्वातीन के लिए है या नहीं है? रसूल मर्दों के लिए हैं तो ख्वातीन के लिए भी तो हैं कि नहीं है? उस्वाए हसना उस हस्ती को कहा जाता है जिसने अमल करके दिखाया हो और कहा हो अब इस तरह से अमल करो। ख्वातीन अगर रसूल की सीरत पे अमल करना चाहें तो बहुत से मकामात ऐसे हैं जहां पर अमल करने के लिए उन्हें रसूल की सीरत वाज़े दिखाई नहीं देगी। रसूल ये बता तो सकते हैं कि एक माँ को बेटे के लिए कैसा होना चाहिए, लेकिन करके नहीं दिखा सकते। वाज़े है या नहीं है? रसूल ये बता तो सकते हैं कि एक जौजा को अपने शौहर के लिए कैसा होना चाहिए, लेकिन ये करके नहीं दिखा सकते। रसूल ये बता तो सकते हैं कि एक बेटी को बाप के लिए कैसा होना चाहिए, लेकिन वो ये करके नहीं दिखा सकते। लाजिम है कोई एक ऐसी खातून हो जो अमल करे, अमल वो कर रही हो। मुसलमान खवातीन उसकी सीरत पे चलें, सीरत पे उस बीबी के चल रही हो लिखा सीरत रसूल में जा रहा हो, लिखा सीरत रसूल में जा रहा हो। लिहाजा इस मकाम पे पहुंचने के बाद वाजे होता है फकत रसूल तक रिसालत का काम नहीं रुका, ये वो हैं जो शरीके कारे रिसालत हैं। रसूल रसूल हैं, लेकिन रिसालत का काम जिन्होंने आगे बढ़ाया वो अली भी हैं, वो फातिमा भी हैं, वो हसन भी हैं, वो हुसैन भी हैं। सलावात भेजे मोहम्मद वाले। अगर ये न हो रिसालत का काम आगे नहीं बढ़ता। ये हजरत जहरा हैं, एक सलावात इनायत फरमाए। अब जरा तवज्जो चाहता हूं, दुनिया हमसे कहती है कि आप बादे रसूल इमाम के वजूद पे क्यों इतना ज्यादा जोर देते हैं? तवज्जो है, आप सबका इमाम है या नहीं है? आज के दौर में किसी इमाम को मानते हैं या नहीं मानते? खुदा का शुक्र है कि मानते हैं, और ये एक हम ही हैं जिनका इमाम जिंदा है, वरना दुनिया में जितनी भी इस वक्त मुसलमानों में कौमें हैं, मुसलमानों के अंदर जितने भी फिरके हैं, आपको उनके अंदर जिंदा इमाम नहीं मिलेगा। मुंतजर सब हैं, लेकिन जिंदा इमाम फकत आपका है। जुमला कह रहा हूँ खोलूँगा नहीं, आप फकत मेहदी मुंतजर के मुंतजर नहीं हैं, आप मेहदी मौजूद मौजूद के मुंतजर हैं। आप उस इमाम के इंतज़ार में हैं जो मौजूद है, और इस पे खुदा का शुक्र अदा करें कि खुदा ने आपको इस फजल से नवाजा है कि आपका इमाम मौजूद है। सवाल, क्या जरूरत पड़ी है आपको कि आप बादे रसूल इमाम को ये कहें कि वो मंसूस मिन अल्लाह है, वो अल्लाह की तरफ से चुना हुआ है, वो अल्लाह की तरफ से मुंतखब करदा है। बादे रसूल उम्मत पे छोड़ दीजिए, जैसे चाहे जिसको चाहे मुंतखब करे और आगे बढ़े। मसला ये है कि अगर अल्लाह मुंतखब करेगा
तो वो शजरा नबूवत को भी जानता है, वो महत्तुर रिसाला को भी जानता है। लेकिन इंसान अगर मुंतखब करेंगे, ना उन्हें शजरा नबूवत का पता है ना महत्तुर रिसाला का पता है। लिहाजा इस बात को जहन में रख लीजिए और उतार लीजिए कि बादे रसूल इमाम की जरूरत इसलिए नहीं है कि वो ये बताए कि रसूल ने क्या किया, रसूल क्या कर गए। ये तो सहाबी भी बता सकता है, देखने वाला भी बता सकता है, गैर मासूम भी बता सकता है। बादे रसूल इमाम मासूम की जरूरत इसलिए है ताकि वो ये बताए अगर आज रसूल होते तो क्या करते। तवज्जो। लिहाजा जिन लोगों को आज तक करबला ही हल नहीं हो रही, मैं भी रात में बैठा देख रहा था, जैसे ही मुहर्रम आता है तो यजीद के बग़ैर पैसों के जो वकील हैं उनके पेटों में मड़ोर उठने लगते हैं और वो आकर यजीद की वकालत करने लगते हैं और आकर कुछ ऐसे बयान देने की कोशिश करते हैं जिससे वो ये चाहते हैं कि यजीद को बरीउज़िम्मा करार दे दिया जाए, या अगर बरीउज़िम्मा करार ना दिया जाए तो कुछ इससे भी आगे बढ़ के कहते हैं कि ठीक है हुआ हुआ जो हुआ, हमें क्या ज़रूरत पड़ी है तज़किरा करने की। तो जो फरमाएं हजरात, क्या ज़रूरत पड़ी है तज़किरा करने की। इन लोगों का यही मसला है। और आप ज़रा सोचिएगा कि खुदा ने आप पे कितना बड़ा लुत्फ फरमाया। ये अभी तक ये नहीं समझे कि जिस हुसैन के बारे में हम बात कर रहे हैं उनके किसी फेल और किसी कॉल पे इसलिए एतराज़ नहीं किया जा सकता क्योंकि हुसैन करबला में खड़े होकर मिन्नियत रसूल के दर्जे पे हैं। ये जो मैंने कहा इमाम इसलिए ज़रूरी है कि वो बताए कि रसूल क्या करते, ये आपको लग रहा है कि करबला में हुसैन खड़े हैं, ये हमसे पूछिए करबला में हुसैन नहीं, करबला में खुद रसूल खड़े हैं। करबला में खुद रसूल सामने खड़े हैं। अब ज़रा रसूल के सामने कोई आए तो उसका क्या नतीजा है, उसके बारे में क्या फैसला कीजिएगा। दुनिया कह रही है कि जनाब आप जिक्र हुसैन कर रहे हैं, और ये भी कि बस जिक्र हुसैन कीजिए, किसी दूसरे की बात ना कीजिए। ऐसा मुमकिन है कि जिससे मोहब्बत हो उसके दुश्मनों से दुश्मनी ना हो। ये कौन सी मोहब्बत के अंदाज हैं कि एक तरफ आप ऐलान करें कि मोहब्बत है, दूसरी तरफ उसके दुश्मन को भी सीने से लगा रखा है। ये कोई मोहब्बत नहीं है। कुरान में खुदा कहता है हमने किसी इंसान के दिल सीने में दो दिल रखे ही नहीं हैं कि एक से किसी से मोहब्बत करे दूसरे से किसी से मोहब्बत करे। ये दिल हरमुल्लाह है, हरमुल्लाह में उन्हें ही जगह दीजिए जो अहले हरम हैं। लिहाजा वो लोग जो ये कह रहे हैं, तवज्जो, ये मेरा एक जुमला जो है इसके अंदर बहुत कुछ है। जो मैंने कहा ना कि इमाम की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि वो शरीक कार्य रिसालत है, वो बताता है अपने अमल से कि अगर आज रसूल होते तो क्या करते। अब अगर कोई अली से या हुसैन से मुतालबा बयत कर रहा है तो वो अली और हुसैन से तो नहीं कर रहा, वो रसूल से मुतालबा बयत कर रहा है। किसी की हिम्मत है कि रसूल से बयत का मुतालबा करे। मेरे साथ अगर चलें तो मैं जुमला कहूँ, ये लफ्ज़ बयत कहाँ से आया है, ये बई से निकला है।
लफ्ज बैत कहाँ से आया है? बाई से निकला, यानी खरीदो फरोख्त। तो ये बैत में होता क्या है? बैत में होता यह है कि आपके पास जो है वो आप देते हैं और मुकाबले में वहां से कुछ आपको मिलता है। ये पूरा एक मामला है, ये खरीदो फरोख्त का एक सिलसिला है। जब आप किसी की बैत करते हैं, आप क्या कहते हैं? मैंने अपनी जान, माल, इज्जत, आबरू, तन, मन, धन सब आपके हवाले किया। और इसके मुकाबले में क्या होता है? जिसकी बैत कर रहे हैं वो ये जमानत लेता है कि तुम्हें निजात मिलेगी, तुम्हारी निजात की जमानत मेरी है, तुम्हारे पास जो है वो तुम मुझे दो, मेरे पास जो है वो मैं तुम्हें दूँ, मेरे पास जो है वो सब फना हो जाने वाला है। तवज्जो नहीं फरमाई हजरात ने? भाई मेरे पास जो माल है वो फना हो जाएगा, मेरे पास औलाद है एक दिन नहीं है चली जाएगी, मेरी अपनी जान एक दिन नहीं है, बिलाखिर इस दुनिया से जाना है, पैमाना है उम्र लबरेज होके रहेगा, मेरे पास जो कुछ भी है ये फना की जद पे है, ये मैंने देना है, इसके बदले में क्या है? निजात की जमानत। निजात बाकी रहने वाली चीज है। बैत वहां हो सकती है जहां मैं फना की चीजें देकर बका की चीजें लूं। जिसके अपने पास बका की जमानत ना हो वो अली और हुसैन से बैत का मुतालबा नहीं कर सकता। जिसके अपने पास बका की जमानत ना हो, जिसके पास अपनी निजात की जमानत ना हो, इजाज़त दें मैं ज़रा आगे बढ़ जाऊँ थोड़ा आज, खुदा करे कि मैं अपने इन लफ्ज़ों में आप तक पैगाम पहुँचा दूँ। जिसे खुद ये पता ना हो कि वो राह पे सीधा चलेगा या नहीं चलेगा, देखिए कुछ ऐसे भी थे कि जब आए और लोगों ने उनको अपने सर पे चढ़ा लिया तो उसके बाद उन्होंने जब तकरीर की तो क्या कहा? कि देखिए मैं आपसे बेहतर नहीं हूँ, अगर मैं सीधा चलूँ तो मेरे पीछे चलना और अगर टेढ़ा हो जाऊँ तो मुझे सीधा कर देना। ये जुमला ख़ुद इस बात की दलील है कि जिन्होंने बैत कर ली थी उन्होंने अपनी तमाम ज़िंदगी का सौदा ऐसे हाथों में किया है कि जिसके अपने पास कुछ नहीं था। तवज्जो नहीं फरमाई हजरात ने? ऐसे के हाथों सब कुछ दे दिया जिसके अपने पल्ले कुछ नहीं था। और अगर ऐसे के हाथ आपने सब कुछ दे दिया तो अब आपके पास क्या बचा? ऐसा शख्स जब बारगाह खुदा में पहुंच कर कहेगा परवरदिगार कहाँ है मेरी जन्नत और कहाँ है मेरी निजात, खुदा कहेगा तुमने उस रस्सी को थामा ही नहीं जो मैंने आसमान से डाली थी, तुमने उस रस्सी को नहीं पकड़ा जो मैंने आसमान से लटकाई थी। खुदा कहता है मुसलमानों से कि हबलुल्ला को पकड़ो, वातसिमु बिहब्लिल्लाह जमीअन वला तफर्रकू, हबलुल्लाह को पकड़ो और फिरकों में न बटो, आपस में लड़ाई झगड़े तकसीम न करो। सब यही आयत दोहराते हैं, कोई नहीं बताता हबलुल्लाह है कौन। भाई जिस चीज़ के ज़रिए खुदा ने हमारे इत्तेहाद को बरकरार और हमारी तफरीक को जुदा करना है वो क्या है ये तो बताओ। दुनिया कहती है कुरान हबलुल्लाह है, बिल्कुल है, लेकिन क्या कुरान से मसाइल हल हो रहे हैं? तवज्जो नहीं फरमा रहे हो?
अगर कुरान अकेला मसाइल हल करने के लिए काफ़ी होता तो आज लड़ाई झगड़े थोड़ी होते। लड़ाई झगड़ों का मतलब यह है कि अभी हबलुल्ला पूरी हाथ में नहीं आई। मैं अपनी उर्दू अदबियात से यहाँ मदद ले लूँ, उर्दू में अगर आप हबल का तर्जमा करें तो बनती है रस्सी। रस्सी क्या होती है? रस्सी दो सुतलियों से बट के बनती है, यानी अगर दो सुतलियों से बट के न बने तो रस्सी नहीं सुतली है। अल्लाह ने रस्सी पकड़ने का हुक्म दिया है, सुतली नहीं। रसूल से पूछो रस्सी क्या है, का इन्नी तारिकु फीकुम सकलैन किताब अल्लाह व इत्रत अहले बैती। कुरान के साथ अगर अहले बैत को पकड़ा तो हबलुल्लाह हाथ में है, अगर फकत कुरान को पकड़ा तो हबलुल्लाह नहीं है। लोगों ने क्या किया? अपना उनके अपने आप को उनके हवाले कर दिया, जिनको अपनी निजात का कुछ खबर नहीं थी, जिन्हें अपना कोई हिसाब नहीं पता था। तो मालूम हुआ क्या हुआ? यहाँ एक अच्छी मिसाल है, अर्ज कर दूँ, तवज्जो है कि नहीं है, साथ है ना मेरे? ये आपने जुमला सुन लिया लेकिन इस जुमले के अंदर जो शिद्दत है उसको महसूस नहीं किया आपने। अब मैं क्या करूँ कि मैं ज़्यादा बालों पर फैला भी नहीं सकता और मेरा जी चाह रहा है कि आपको समेटे बगैर परवाज भी ना करूं। ये इस कदर अजीब व गरीब जुमला है कि कोई भी साहिब अक्ल खिरद इसे कबूल नहीं कर सकता। इतनी सी भी अगर अक्ल हो किसी के पास, फौरन कहेगा भाई जब तुम खुद ही सही नहीं चल सकते तो मुझे कहाँ लेके जाना चाहते हो? आप यहाँ से जाएं, मालूम हो आपने कराची जाना है, मुल्तान एयरपोर्ट पर पहुँचे आप। एयरपोर्ट पर पहुँचने के बाद आपने टिकट ख़रीदा, टिकट के बाद आपको उन्होंने बोर्डिंग कार्ड दिया, कुछ देर वेटिंग रूम में बैठे, फिर आप जहाज़ में जाके बैठे। जहाज़ में बैठने के बाद ऐलान हुआ जी कि अपनी बेल्टें कस लें, हम 30,000 फुट की बुलंदी पर प्रवास करते हुए मसलन 1.5 घंटे में कराची लैंड कर जाएंगे, मिसाल के तौर पे। तवज्जो है? अब सब बैठ गए, मुतमईन हैं, चलो भाई हमारी जान बड़ी महफूज है, हम जा रहे हैं, 1.5 घंटे में जाके अपने रिश्तेदारों से उस तरफ मिलेंगे। अचानक जहाज़ उड़ा और कॉकपिट में बैठे हुए कैप्टन ने ऐलान किया, ऐ लोगों मैं तुमसे बेहतर नहीं हूँ। तवज्जो फरमाएं, अगर मैं जहाज सही चलाऊं तो चुपके बैठे रहना, और अगर मुझे जहाज चलाने में कोई दिक्कत हो और सही ना चला सकूं तो मुझे आके बताना कि कैसे चलाया जाएगा। तो वो जो 200 बंदा बैठा होगा वो तो चीख के कहेगा भाई जब चलाना नहीं आता था तो आके बैठे काहे थे। जब आप किसी ना इल्म कम इल्म जाहिल के हाथ में 200 बंदों की जमा में हयाते मादी नहीं दे सकते तो खुदा किसी जाहिल के हाथ में इतनी उम्मत इस्लामिया की जमा में हिदायत कैसे दे सकता है? और एक और बात बता दूं, बफर्ज मैं तो कहूंगा खुदा ना ख्वास्ता अगर जहाज उतर गया सही सलामत, ऐसे जहाज को सही सलामत उतरना नहीं चाहिए, लेकिन अगर उतर गया तो उतरने के बाद केस पायलट पे नहीं चलेगा, कंपनी पे चलेगा कि ऐसे शख्स को लाके बिठाया क्यों था। आप दीन के मामले में ऐसे शख्स को अगर ला के बिठाते हैं तो ये उस शख्स का मसला नहीं है, बात पलटेगी उस खुदा पर जिसका दीन है। और खुदा का शुक्र अदा करें,
कि आपको वो दर मिला है जिसने खुदा के हुक्म के सिवा कभी किसी को माना ही नहीं है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। आपको वो मकतब मिला है जिसने कहा हम तो खुद मानते ही नहीं, हमने कहा हम रसूल के कहे को भी नहीं मानेंगे। अब आप कहेंगे ये मैंने क्या कह दिया, बिल्कुल ऐसे ही है, हमने कहा हमने अली को रसूल के कहने पे भी नहीं माना। रसूल तो फकत बता रहे हैं, मनवा तो खुदा रहा है। खुदा मनवा रहा है कि इसको मानना है, इसको मानना है, इसको मानना है। रसूल सिर्फ बता रहे हैं इसको मानना है, इसको मानना है, इसको मानना है। अगर ये सारी चीज़ें हमारी आंखों के सामने से ओझल ना हो तो फिर हम उस जादा हिदायत पे हैं जिसे रसूल छोड़ गए थे। और अगर ज़रा सी भी ओझल हो गई हैं तो नतीजा जानते हैं क्या है? नतीजा यह है कि जिसके आगे आप जाके झुक रहे हैं या जिसकी आप बयत कर रहे हैं उसके तो अपने पल्ले ही कुछ नहीं है। वो आपकी हिदायत, वो आपकी निजात की कैसे जिम्मेदारी ले सकता है? ऐ खुदा तेरा शुक्र है कि उस दर पे हैं जहाँ पर सब कुछ वहाँ से मुअय्यन हुआ है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में जानते हैं आप? हज़रत मूसा फिरौन के पास जाना चाहते हैं और जाते हुए कह रहे हैं परवरदिगार मैंने उनका एक बंदा मारा है, अकेले नहीं जाऊंगा, किसी को साथ कर दे, मुझे कोई वज़ीर दे दे। ठीक है मूसा, आपने अपना वज़ीर बनाना है, ख़ुद बना ले। काला रब्बी शराहली सदरी व यस्सर अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वज़अल्ली वज़ीरी मिन अहली हारूना अखी। मेरे अहल में से एक वज़ीर बना दे जो मेरा भाई हारून है। ए मूसा आप खुद बनाइए, अल्लाह से काहे कहते हैं बना दे? तो बईद नहीं, हजरत मूसा की आवाज़ आएगी, मैं अपने इल्म नबूवत की बिना पर जानता हूँ कि हारून के अंदर ये सिफात हैं कि वो मेरा वजीर, मेरा वसी, मेरा जानशीन बन सकता है, लेकिन मैं नजर इंतखाब रखता हूँ, हक इंतखाब नहीं रखता। हक इंतखाब वो रखेगा क्योंकि ये वसी मूसा इब्ने इमरान का नहीं, मूसा कलीमुल्ला का है। जब कलीमुल्ला का वसी अल्लाह बनाएगा तो हबीबुल्ला का वसी भी अल्लाह करार देगा। इसलिए यह महत्तुर रिसाला, तवज्जो तवज्जो, ये वो चुने हुए हैं जिन्हें अल्लाह ने मुंतखब किया है। और अगर इनके सामने आप किसी को लेके आएंगे तो हम बस यही कह सकते हैं कि उसने अपनी बगावत का ऐलान किया है, इनसे नहीं खुदा से। अब जो खुदा का बागी हो आप उसके लिए जो भी लकब रखना चाहें हमें कोई मसला नहीं है। हमारे लिए ये बात तय है कि जो इनके मुकाबले आया है वो अल्लाह का बागी है, जो इनके मुकाबले आया है वो अल्लाह का बागी है। अहले बैत में वो हैं ही नहीं जो एक दूसरे से इख्तलाफ रखते हों। अल्लाह करे मैं बात पहुंचा गया हूँ। अहलुल बैत की फ़र्दों में वो अफराद आ ही नहीं सकते जो एक दूसरे से इख्तलाफ रखते हों। जहाँ भी इख्तलाफ आएगा समझ लीजिएगा ये इनमें से कोई एक अहलुल बैत से खारिज है। मसलन आपको लगने लगे कि ये भी अहलुल बैत में है और ये भी अहलुल बैत में है तो सिर्फ ये देखिएगा उन दो में इख्तलाफ हुआ है या नहीं हुआ। जैसे ही पता चला ना इख्तलाफ हो गया है
समझ जाइएगा इन दो में से कोई एक तो पक्का खारिज है। क्यों? क्योंकि रसूलुल्लाह ने कहा था, ऐ अल्लाह जिन्होंने इनसे जंग की है उन्होंने मुझसे जंग की है, जिन्होंने इनसे सुलह की है उन्होंने मुझसे सुलह की है, जो इनके साथ हैं वो मेरे साथ हैं, जिन्होंने इनकी मदद की है उन्होंने मेरी मदद की है। सवाल इतना है, अगर नाऊ बिल्ला अहलुल बैत में मौजूद जो आपको लग रहा है दो अफराद एक दूसरे से ही जंग कर बैठे तो रसूल किसका साथ देंगे? इधर वाले का या उधर वाले का? मालूम हुआ लाजिम है कि इनमें जितने भी हों वो एक दूसरे के मुखालिफ नहीं हो सकते। और क्या खूबसूरत जुमला दिया मेरे आका हुसैन ने इस मौके पर, कहा तारीख जो लिखती है लिखती रहे मैं उसूल दे के जा रहा हूँ। कह देते मैं यजीद की बयत नहीं कर सकता, ख़त्म हो जाती बात। क्या कहा? कहा नहीं मैं यजीद की बयत नहीं कर सकता, ये नहीं कहा, कहा मिसली ला युबायो मिसला, मुझ जैसा इस जैसे की बयत नहीं कर सकता। हुसैन ने मामला साफ कर दिया, मुअर्रिख जो चाहे लिखे, हुसैन ने बता दिया एक मैं हूँ, मुझ जैसा मेरा भाई हसन है, मुझ जैसा मेरा बाबा अली है, मुझ जैसा मेरा नाना है, मुझ जैसा इस जैसे की बयत नहीं कर सकता। अब जो हुसैन जैसे के मुकाबिल जब भी जहां भी जैसे भी कहीं भी आ जाए हम उसे यजीद जैसा समझेंगे। हम उसे यजीद जैसा समझेंगे। आप समझ रहे हैं हम यजीद पर इसलिए, तवज्जो है मेरी तरफ, आप समझ रहे हैं हम यजीद पर इसलिए लान तान कर रहे हैं, हमें यजीद की जात से कोई मसला है? हम वो लोग ही नहीं हैं जो लोगों की ज़ातियात में दखल दें। हमें यजीद की ज़ात से क्या मतलब है? हम यजीद को ज़ात नहीं समझते, हम यजीद को किरदार समझते हैं। और ये यजीद जो यहाँ तक पहुँचा, जो 61 हिजरी में सर उठाकर इतना बड़ा हो गया, ये देखो इस सपोले को पालने के लिए दूध किसने चलाया, कहाँ से पहुँचा? हमें यजीद से मसला नहीं है। हमें क्यों यजीद से मसला होगा? हम शख्सियत परस्ती के न पहले कायल थे ना अब हैं। हम खुदा परस्त लोग हैं और खुदा परस्त लोग खुदा की बात पे चलते हैं। खुदा ने कहा ये हैं वो जिनके पीछे चलना है, हम चल पड़े। अब उनके मुकाबले जो भी आए हम क्या करें? ये दोहरी पॉलिसी आपके यहाँ पाई जाती होगी कि उसे भी सीने से लगा लो इसे भी कलेजे से लगा लो। ये पॉलिसी हमारे यहाँ नहीं पाई जाती कि जनाब वो भी हमारे और ये भी हमारे। हमने कहा बस वो हमारे जो अल्लाह के हैं, जो अल्लाह के नहीं हैं वो हमारे भी नहीं हैं, नहीं हैं वो हमारे। ये एक ऐसी सिफत है इसका कोई इंकार करता है? वाकई वो फितरत के खिलाफ है। मुझे समझ नहीं आती मुसलमानों में ये अक्ल कहाँ से आई है। आपने कभी जानवरों को देखा है? मालिक अगर जाए ना उसके पास, तवज्जो फरमाएंगे हजरात, मालिक अगर जानवर के पास जाए ना तो वो आने देता है, वो उसे पीछे नहीं करता। लेकिन अगर कोई गैर आ जाए, खुदा करे मैं समझा सकूं, अगर कोई गैर आ जाए, मिसाल के तौर पे किसी भैंस को ये आदत हो कि बस जो उसका मालिक है वही दूध उसका धोए, तो कोई और आ जाए वो हाथ पहचानती है, वो उसे करीब
नहीं आने देती। खुदा ने इस चीज को जानवरों में, पत्थरों में, हत्ता दरख्तों में रखा है कि जो चीज उन्हें पसंद होती है उसे वो जज्ब करते हैं और जो चीज उन्हें ना पसंद होती है उसे वो खुद से दूर करते हैं। नहीं मालूम ये कौन से इंसान हैं जो कह रहे हैं हमें ये भी कबूल है, हमें ये भी कबूल है। जो अल्लाह का नहीं है उसे आप अपना कैसे कह रहे हैं जब आपने कह दिया ला इलाहा इल्लल्लाह। ये जो जाज़िबा और दाफिया है, तवज्जो है नहीं है, ये जो जाज़िबा और दाफिया है किसी चीज को कबूल करना, किसी चीज को रद्द करना, ये पत्थरों में, ये पौधों तक में, छुई मुई के पेड़ का नाम सुना है? हाथ लगाए क्या होता है वो अपने पर अपने पत्ते बंद कर लेती है, ऐसे ही है। वो ये करके बता रही होती है तुम मेरे नहीं हो, तुम मेरे नहीं हो। उसके अपने कितने, आप दो छुई मुई के पेड़ एक साथ रख दें, एक दूसरे से वो टकराते रहें, कभी भी मुरझाएगी नहीं, क्योंकि उसे पता है ये मेरा अपना है। लेकिन अगर कोई और चीज दाखिल देगी तो वो फौरन बताएगी ये मेरा गैर है, ये मेरा अपना नहीं है। मुसलमानों को आज तक यही समझ में नहीं आ रही कौन हमारे अपने हैं, कौन हमारे गैर हैं। वो सबको एक ही हिसाब में ला रहे हैं, सबको एक ही लाठी से हांक रहे हैं, लेकिन वाकई जिगरा चाहिए यजीद जैसे को अपना मानने के लिए। वाकई जिगरा चाहिए। किस तरह से लोग ये काम कर लेते हैं। आज मैं ये जुमले इसलिए नहीं कह रहा कि मैंने कोई मजमून इसका तैयार कर रखा था, ये सारे जुमले इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे आज बड़ी तकलीफ महसूस हो रही है उन मुसलमानों के अल्फाज पर जो खुद को कलमा गो भी कहते हैं और उन्हें इतनी शर्म नहीं आती कि नवासा रसूल के खिलाफ जाकर वो किसका दिफा कर रहे हैं। उन्हें हर शख्सियत का दिफा याद आ जाता है मगर अहलुल बैत में से किसी हस्ती का दिफा याद नहीं आता। बस ये वो हैं जो शजरा नबूवत है, ये वो हैं जो महत्तर रिसाला हैं, रिसालत इनके घर में परवान चढ़ी है। और बस अगला जुमला कहूँ, शायद आज पूरा ना हो सके, कल इंशाल्लाह गुफ्तगू आगे बढ़ेगी। फरमाते हैं नाहनो मुख्तलफुल मलाइका, अल्लाहु अकबर। इस जुमले के ऊपर आप जितनी बहस करना चाहें कर लें, तमाम नहीं हो सकती। क्या कह रहे हैं, हम मलाइका के उतरने और आने जाने का मकाम है। तवज्जो, जुमला कहने जा रहा हूं, मुख्तलफ किसे कहते हैं, तवज्जो है, तवज्जो मेरी तरफ रखें, जो आ रहे हैं जो जा रहे हैं उन्हें आने जाने दें, आप मेरी तरफ तवज्जो रखेंगे। मुख्तलफ किसे कहते हैं, मुख्तलफ इख्तलाफ से निकला है। इख्तलाफ यहां पर किन माना में है, यानी जब कोई आ रहा है और जब कोई जा रहा है तो चूंकि आने और जाने में इख्तलाफ पाया जाता है, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, इन दोनों में इख्तलाफ पाया जाता है। आमदो रफ्त में क्योंकि इख्तलाफ पाया जाता है लिहाजा कहा गया मुख्तलफ आने जाने का मकाम। तवज्जो, मुख्तलफ वो नहीं होता जहां कोई एक दफा आए और चला जाए। एक आध दफा तो फरिश्ता आपके पास भी आ ही जाएगा। एक आध दफा तो फरिश्ता हम सबके पास
आ ही जाएगा। एक दफा आने से मुख्तलफुल मलाइका नहीं बनते। मुख्तलफुल मलाइका कौन होता है? जहां फरिश्ते आते जाते रहें। दूसरे लफ्जों में सलीस जबान में कहूं, जहां फरिश्तों का तांता बता रहे उसे मुख्तलफुल मलाइका कहते हैं। जहां आना जाना लगा रहे वो क्या है? वो मुख्तलफुल मलाइका है। और जब मुख्तलफुल मलाइका होंगे, तवज्जो चाहूंगा, जब मुख्तलफुल मलाइका होंगे तो क्यों आ रहे हैं भाई इस कदर इनके पास? उनको कोई और काम नहीं है? कुरान कह रहा है, खुद नहजुल बलागा में सरकार अमीरुल मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम का इरशाद गिरामी है, फरमाते हैं कि खुदा ने फरिश्तों की जो ड्यूटियां लगा दी हैं तो वो जो जिन ड्यूटियों पर हैं उन्हीं पर हैं। जिन्हें सूरज पे मामूर कर दिया वो सूरज पे हैं, जिन्हें चांद पे कर दिया वो चांद पे हैं, जो सजदे में हैं वो सजदे में हैं, जो रुकू में हैं वो रुकू में हैं, जो तस्बीह कर रहे हैं वो तस्बीह कर रहे हैं, जिन्होंने अर्श पकड़ा है वो अर्श पकड़े हैं। तवज्जो है, हर एक की ड्यूटियाँ मुअय्यन। और उसके बाद क्या फरमा रहे हैं? मुख्तलफुल मलाइका। अल्लाह कह रहे मैं ये बात पहुंचा दूं, मलाइका खुद जमा है, मलाइका खुद जमा है। और इसके ऊपर फिर अलिफ लाम भी आ गया जिन्स का। जिन्स का मतलब क्या? यानी अब इसका तर्जमा ये नहीं होगा कि मलाइका आते जाते हैं, अब तर्जमा ये होगा तमाम मलाइका यहां आते जाते हैं, तमाम मलाइका यहां आते जाते हैं। अब जुमला कहूं, आप नहीं मालूम किसको इमाम समझे हैं, हम उसे इमाम समझते हैं। किसी मलक की ड्यूटी उस वक्त तक पूरी नहीं होती जब तक वो यहां इमाम की बारगाह में हाजिर ना हो जाए। ड्यूटी पूरी, अभी क्या लर्ज करूंगा, अब आज दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है, आगे बहस नहीं बढ़ सकती। मुख्तलफुल मलाइका ये नहीं है कि बस एक आध दफा आ गया या कोई दो चार फरिश्ते आ गए तो बात खत्म हो गई। वो तो आपके घरों में नहीं मालूम कितनी दफा आए होंगे इंशाअल्लाह। क्या कहते हैं, रहमत के फरिश्ते घर में आते कहते नहीं आते? तो इस हिसाब से तो आपके घर में भी आ रहे हैं। तो फिर फर्क क्या हुआ? फर्क यही है, यानी और आगे बढ़ूं मैं आप ही के मालूमात को आपके सामने रख रहा हूं ताकि ये जुमला वाजे हो जाए। घर में रहमत के फरिश्ते भी आ रहे हैं, कंधों पे भी बैठे हुए कि नहीं बैठे हुए? तो हर एक के साथ फरिश्ते तो पता नहीं कितने हैं। तो आप कहें जी उनके पास भी आ रहे हैं तो हमारे पास भी चले, उनके पास चार पांच होंगे हमारे पास दो तीन है, नाऊ बिल्ला मिन ज़ालिक। ऐसा नहीं है, आपके पास आते हैं वो ड्यूटी लेकर, और जहां से उन्हें ड्यूटी मिलती है वो आस्ताना इमाम का है। सारे मलाइका जिस जगह पे आते हैं वो ये घराना है। अब रुकिएगा, आप क्या समझ रहे हैं मुख्तलफुल मलाइका कोई गारे मट्टी का घर है? अल्लाह अल्लाह, अगर ये गारे मट्टी का घर होता तो बस फिर मदीने में होना चाहिए था। अगर गारे मट्टी का घर, मैं कल से ही अर्ज कर रहा हूं, अहलुल बैत नबुवा गारे मट्टी का घर नहीं है। अगर गारे मट्टी का घर होता तो जिसने भी अहलुल बैत नबुवत बनना होता उसे मदीने में जाना पड़ता और जो उस पे चला जाता वो अहले बैत नबुवत हो जाता। मुख्तलफुल मलाइका का ये मतलब नहीं है कि कोई जमीन में ऐसा मकान या मकाम है जहां फरिश्ते नाजिल होते और वहां इमाम रहते हैं। इमाम खुद मुख्तलफुल मलाइका है, इसे किसी मकान की जरूरत नहीं कि वहां जाए तो फरिश्ते आए, ये जहां होता है वही फरिश्ते नाजिल होते।
जहाँ है वहीं फरिश्ते हैं, इसलिए हुसैन अगर मदीने में हो तो वहाँ भी मुख्तलफुल मलाइका, हुसैन अगर राह में हो तो भी मुख्तलफुल मलाइका, और अगर हुसैन करबला पहुँच जाएं तो भी मुख्तलफुल मलाइका। हुसैन तो वो हैं जिनके जिस्में अथर, मादी जिस्में अथर को जिस रोज़े ने अपनी आगोश में ले रखा है, खुदा ने उस हरम के इर्द गिर्द हुसैन की इज्जत और शरफ के बायस फरिश्तों को जागुवी किया है। ये जो कहा जाता है ना कि इमाम हुसैन के पास फरिश्ते आए इल्तजा की हमें हुक्म दें, ये कोई ऐसी बात नहीं है जो हज़्म ना हो सके। कल अर्ज़ करूँगा आगे इंशाअल्लाह, ये कोई ऐसी बात नहीं है जो हज़्म ना हो सके। फरिश्तों को खुदा का हुक्म है तुमने हाजिर होना है, और यही फजीलत और यही एजाज और यही रुतबा हुसैनी है कि फरिश्तों के इख्तियार में होने के बावजूद भी हुसैन ने बंदों के इख्तियार की नफी नहीं की है। ये हुसैन का कमाल है। हुसैन जानते हैं कब कहाँ कैसे पहुँचना है, क्या होने वाला है। हुसैन को तो ये भी पहले से पता था कि जब तक हुर नहीं आ जाएगा, करबला की शहदा की फहरिस्त मुकम्मल नहीं होगी। यहीं रोक के जुमला कहने जा रहा हूँ, जो मोमिनीन तशरीफ़ फरमाएं ये जुमला तबर्रुकन ले जाएं, हुर से ज़्यादा गुनाहगार कौन था? कोई नहीं था ना। करबला लाने वाला तो हुर ही है, हुसैन के रास्ते में रुकावट डालने वाला तो हुर ही है, लेकिन हुसैन ने अमली तौर पे दुनिया को बताया मैं बाबे रहमत खुदा हूँ। अगर कोई गुनाह हो भी गया है, खुदा की बारगाह में आना है, आओ तेरे हुसैन पे आओ। हुसैन किसी भी कैदी को बारगाह में खुदा में ले जाके हुर बना सकता है। गुनाह हो गया है, हुर को ना भूलना। हुसैन ने पहले दिन से ही हुर के दिमाग में डाला, ऐसा नहीं है कि हुर के दिमाग में हुसैन की फजीलत नहीं है। तवज्जो, हुसैन ने पहले दिन से जब हुर ने आकर हुसैन के घोड़े की लगाम में हाथ डाला, क्या कहा? कहा ए हुर, तेरी माँ तेरे गम में रोए। जानते हुर ने आगे से क्या कहा? कहा आका, आपने तो मेरी माँ का नाम ले लिया है, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है आपकी माँ का नाम। जहन में आ गया हुर के ये फातिमा का बेटा है, ये ज़ाहरा का बेटा है। ये चीज़ जहन में है, होर 9 मुहर्रम को, 9 मुहर्रम तक, मगरिब तक दिमाग में रखे हुए शायद कोई ऐसी राह निकल आए कि जिससे मामला दुरुस्त हो जाए। लेकिन जब शबे आशूर आई, अब हुर को पता चल गया, ऐलान हो गया कल फर्जंद रसूल को शहीद कर दिया जाएगा। हुर टहल रहा है बुरी तरह परेशानी के आलम में। भाई आया, कहने लगा ये तेरा क्या हाल है हुर? अगर कोई मुझसे पूछता कि कूफे में सबसे बहादुर शख्स कौन है तो मैं तेरा नाम लेता। हुर ने कोई बात नहीं की, एक मरतबा हाथ पकड़ा, खामोशी के साथ लेके चला। भाई ने महसूस किया ये जिस तरफ जा रहे हैं उस तरफ तो हुसैन के खेमे हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद हुर ने कहा तुम्हें कोई आवाज़ सुनाई दे रही है? भाई ने कहा हाँ, हुसैन के खेमों से बच्चों की आवाज़ आ रही है, अल अताश अल अताश, हाय प्यास हाय प्यास। हुर ने कहा अरे क्या गजब है, हमारे जानवर पानी पी रहे हैं, यहाँ औलाद रसूल प्यासी है। अजरकुमन अल्लाह, कहा तो क्या सोचा है? कहा मैंने सोच लिया है, सुबह का चांद ना हुआ, हुर ने गुलाम से कहा मैं जा रहा हूँ। हुर
और मैं क्या कहा, मैं जा रहा हूँ तुझे आज़ाद किया, ग़ुलाम भी समझता था ऐसे ग़ुलाम की मार्फत के सदक़े। क्या कहा, अच्छा जब तक जहन्नुम में थे साथ रखा और अब जब जन्नत की तरफ चले मुझे छोड़े जा रहे हो, मैं भी साथ चलूँगा। अब यहाँ से हुर चला, ग़ुलाम चला, बेटा चला, भाई चला, वहाँ हुसैन जैसा करीम का अब्बास आगे बढ़ो, हुर के भाई का इस्तकबाल करो, अली अकबर आगे बढ़ो, हुर के बेटे का इस्तकबाल करो, जौन आगे बढ़ो, हुर के ग़ुलाम का इस्तकबाल करो, हुर का इस्तकबाल खुद हुसैन करेगा। हुर ने हाथों को बांधा, घोड़े पे बैठा, आंखों पे पट्टी, सर को झुकाया, अपने बेटे से कहा जब पहुंच जाऊँ ना बारगाहे हुसैनी में बता देना आपका के सामने पहुंच गया, मेरे मुझ में हिम्मत नहीं हुसैन का सामना करूं। सर झुकाए पहुंचा, एक जुमला का कहा आका क्या मुझे माफ़ी मिल सकती है, कहा हुर तूने किया क्या है जिसकी माफ़ी मांग रहा है ऐसा करीम हुसैन। अजादारो अभी ये बातचीत चल रही थी, खैमे में से दो बच्चे निकले छोटे छोटे, एक हुर के दाएं आके खड़ा हुआ, एक बाएं आके खड़ा हुआ, और अब आकाजादी का सलाम आया, का आका मामू हुर अम्मा जैनब सलाम दे रही है। ये जुमला सुना हुर तड़प गया, कहा है ये वक्त आ गया कि आकाजादियां गुलामों को सलाम भिजवाएं। आका इजाजत दे मैं जाना चाहता हूँ। कहाँ तुम्हें इजाजत देते हैं, नहीं रोकेंगे। लेकिन हुर को कोई ऐसा शफात का वसीला चाहिए जो हुर के लिए अगली मंजिल आसान करे। हुसैन ने ये किसी और को नहीं बख्शा, अपनी जेब से रुमाल हजरत जहरा निकाला, हुर के माथे पे बांधा, कहा जाओ हुर तुम्हें अल्लाह के हवाले किया। लेकिन इससे पहले हुर ने एक जुमला कहा, कहा एक जुमला, एक गुजारिश, कहा मैं चाहता हूँ मेरा बेटा मेरे सामने शहीद हो, मैं उसका दाग अपने सीने पे लेकर खुदा की बारगाह में जाऊँ। कहा बेटा हुर तुम्हें इजाजत है अपने बेटे को भेजो मैदाने विवाह में। बेटा गया, जंग लड़ने शुरू की, बड़ी बेपनाह जंग लड़ी, और जब लड़ने के बाद शहीद होने के मकाम पे जख्मों से चूर होके गिरा तो आवाज दी, बाबा मेरी मदद को पहुंचे। ये जुमला सुना हुर कहते हैं बड़ी तेजी से दौड़े, लेकिन इस तेजी के बावजूद भी इससे पहले के हुर पहुंचते देखा हुसैन बेटे के सराहाने बैठे, उसका सर अपनी आगोश में लिया हुआ है और कह रहे हैं हाँ तेरा बाबा आने वाला है। एक मरतबा हुर ने देखा का आका ये गुलाम ज्यादा है, इसका सर आगोश में ना ले। हुसैन ने कहा हुर तू बूढ़ा है, ये जवान है, तू कैसे जवान बेटे का लाशा उठाएगा। मैं कहूंगा आका ये हुर का बेटा है, और अभी कुछ देर के बाद अली अकबर का जनाजा